हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर्स स्टाइल। आज मैं आप लोगों के लिए एक होममेड स्क्रब लाई हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल है और ये बिल्कुल कम ही इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रब है गाइस, जो आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मसूर की दाल, जो कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस के रख लिया है, एकदम पाउडरी फॉर्म में है गाइस। और हम इसमें 1/2 स्पून ये पाउडर लेंगे जो मसूर की दाल का है। आप इसको ऐसे ही पीस के रख सकते हैं गाइस, ये बहुत ही सारे फेस पैक और स्क्रब बनाने में बहुत काम आता है। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो है हनी। जितना अमाउंट हम मसूर की दाल के पाउडर का लेंगे उतना ही अमाउंट हमें इसका भी लेना है और दोनों को हम मिक्स कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस। आप इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल ही स्क्रब जैसा हो जाता है। यू कैन सी अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, तो ऐसे अप्लाई करने में थोड़ी सी वो अच्छे से स्क्रब नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसमें रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गाइस, बस 2 से 3 ड्रॉप्स ही ऐड करना है। यू कैन सी इन द वीडियो। इतने से ये आपका स्क्रब बहुत ही अच्छा हो जाएगा और रोज़ वाटर आपकी स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, तो इसको भी डालना ज़रूरी है। और ये स्क्रब रेडी है। इसको आप थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर मैं आपको इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो गाइस, जो मैंने ये स्क्रब बनाया है आप देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल स्क्रब जैसी ही है। आप इसको जितना आपको यूज़ हो उतना बना सकते हैं और आप इसको वीक में 3 से 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको आप अपनी स्किन पे पहले पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लें। और फिर जेंटल मसाज दें अपने फेस को। गाइस, इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं वो आप इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा। गाइस, इसमें जो मसूर की दाल है वो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को बिल्कुल रिमूव कर देगी। और अगर आपकी स्किन पे सन टैन है, सन बर्न है, तो वो उसको भी रिमूव करता है। गाइस, आप इसको वीक में 3 से 4 टाइम्स यूज़ करें, डेली यूज़ नहीं करें, क्योंकि डेली स्क्रब करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, तो डेली स्क्रब नहीं करना चाहिए। और जो इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट्स है हनी, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है हनी में, तो आपके स्किन पे एक्ने, पिंपल ये सब को भी आने से कंट्रोल करता है। आपकी स्किन पे एक्ने और पिंपल बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसको अच्छे से आपको मसाज करना है, जेंटल मसाज देंगे आप अपनी स्किन को। ये जितने भी डेड स्किन है उसको ये रिमूव कर देगा। और आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स उनको तो ये बिल्कुल भी रिमूव कर देता है गाइस। सो गाइस इसको 3 से 4 मिनट्स के लिए ऐसी जेंटल मसाज देंगे। और जिनके माउथ के अराउंड ऐसे ब्लैकनेस हो जाती है, आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। गाइस इसमें रोज़ वाटर भी है तो आपकी स्किन को बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। अपने नोज़ के पास इसको स्क्रब करेंगे, जो आपके ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, उनको ये रिमूव करेगा। अपने चिन एरिया पे आपको ऐसे मसाज देना है इसको। और 3 से 4 मिनट स्क्रब करने के बाद गाइस इसको ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर अपने फेस को आप वॉश कर लेंगे। मैं 5 से 10 मिनट बाद मिलती हूँ। सो गाइस 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। 5 से 10 मिनट बाद ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। ये ऐसे ही इसको आप रहने दें, ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी है तो ये ड्राई नहीं होता है, बट ये आपकी स्किन को अच्छे से और अंदर से ग्लोइंग बनाता है। इसमें जो हनी है वो आपकी स्किन पे जो एक्ने आएंगे उसको बिल्कुल भी नहीं आने देगा और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी। और जब आप इसको फेस मतलब वॉश करेंगे तो आप इसको हल्का हल्का ऐसे रब करके इसको उतारेंगे। इसको सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है गाइस, इसको फेस वॉश से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, सिर्फ इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। सो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ सिर्फ प्लेन वाटर से गाइस। सो गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है। और आप इस रेमेडी को वीक में 3 से 4 टाइम्स यूज़ करें और इसका रिज़ल्ट आप खुद देख लीजिए। और हाँ गाइस जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है आप वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। मसूर की दाल आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से लाइटन अप करेगी। सो आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।